लेट्स मेक सहरी स्पेशल मशरूम ऑमलेट। सबसे पहले हमें एक बोल लेना है, अब उसमें दो अंडों को क्रैक करके डालेंगे। मैंने दो अंडे लिए हैं, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। आपको अगर तीखा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से फिट गया है, अब इसको रखेंगे हम साइड में। अब रखा है मैंने फ्राई पैन और उसमें डालेंगे बटर। सबसे अच्छा ये बटर में बनता है ऑमलेट। आप चाहें तो घी या ऑयल, जो भी आपको यूज़ करना हो वो कर सकते हैं, टोटली योर विश। अब इसको हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, मशरूम को मैंने स्लाइस में करके रखा था, अब इसको हम इसके ऊपर से रख देंगे इस तरीके से, एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम सारी मशरूम इस तरीके से लगा देंगे। आप इसको सहरी में ज़रूर बनाएं क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए। एक तरफ से मशरूम फ्राई हो गई है, अब इसको हम आराम से सारी मशरूम के पीसेस फ्लिप कर लेंगे इस तरीके से, एक एक करके। बहुत ही इजीली हो जाएगा ये। सारे अच्छे से मैंने मशरूम को फ्लिप कर लिया है। अब इस पर डालेंगे जो हमने अंडे को फेंट के रखा था, इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से इसको सेक लेंगे। अब एक साइड से अच्छे से सिक गया है ये, अब इसको हम बहुत ही आराम से पलट लेंगे इस तरीके से। ऊपर से डालेंगे इसमें थोड़ी सी हरा धनिया। सुपर इजी एंड टेस्टी मशरूम ऑमलेट इज डन।